पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा एक ज्ञापन सांसद को भेजा और जिला मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिला अस्पताल में पिछले कई वर्षों से UPHSSP योजना के तहत जिला अस्पताल में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अंतर्गत TNM सर्विसेज एवं अन्य कंपनियों के तहत लगभग 150 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर स्टाफ नर्स, लेब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, कोटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रीशियन, क्लर्क, MRD क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड आया, वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत हैं एवं ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी सेवा दे रहे थे। TNM सर्विसेज कल सेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना समाप्त होने के पश्चात समस्त कर्मचारियों को सेवा से निकालने का नोटिस दे दिया है, जिसके कारण सभी कर्मचारी समस्या से परेशान है, जिसको लेकर एक ज्ञापन सांसद को सौंपा और उन्होंने मांग की UPHSSP परियोजना को बढ़ाने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग TNM से चार साल से हम लोग TNM पे काम कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग ने अपनी सेवाएं यहाँ पे अपनी दी हैं और हम लोग को कल एक मेल भेजकर हम लोग को इस तरह से निकाल दिया गया। ये हम लोग के साथ नाइंसाफी है। इस तरह से हम लोग के बच्चे तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, बताइए हम लोग क्या करें। हम लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है और आगे हम अगर हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हो तो हम धरना प्रदर्शन और भी करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जिला अस्पताल में लगभग 150 कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे थे पिछले चार वर्षों से। अभी कल एक नोटिस प्राप्त होता है कि 31 मार्च को आपको टर्मिनेशन कर दिया जाएगा और आपकी सारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। जो हमारा युवा, ये सरकार बात करती है कि हम युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और हमारे जो कार्यरत साथी हैं उसको टर्मिनेट करके ये दोहरी नीति अपना रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि हमारा शिक्षित रोजगार है, जो बेरोजगार साथी है जो रोजगार में है, वो सड़कों पे उतर के आज प्रदर्शन कर रहे, मजबूर हो रहे हैं। सवाल ही आता है रोजी रोटी का, वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे और कहाँ जाएंगे। सारे हमारे डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर, सारे शिक्षित हमारे साथी हैं, हमारे BSc नर्सिंग के साथी हैं, GNM के साथी हैं और तमाम हमारे जो है डिप्लोमा धारी हमारे कार्यरत हैं वो हमारे हैं। और अब ये प्रश्न ये उठता है, अब अपने परिवार को कैसे ये पालेंगे। एक ये निश्चित रूप से एक संकट खड़ा हो गया है और इसके लिए हम एक ज्ञापन अपने जो है जिलाधिकारी को आज देंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखेंगे। अगर तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे साथियों की सुनवाई नहीं होती है, हमें चाहे भूख हड़ताल पर जाना पड़े या अपने बच्चों को सड़कों पर उतारना पड़े या आत्मदाह करना पड़े, सब हमारे साथी